हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्पैथस एकेडमी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज का नया बाबा ज्ञान, जो कि बेसिकली आपका ग्रामर रूल होता है। आप कॉमन एरर में वो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। चलिए तो फिर पढ़ते हैं आज एक नया बाबा ज्ञान। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते कैसे हैं ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे एग्जाम्पल डिस्कस। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको कौन कौन से मिलेंगे आपको एग्जाम में, वो यहाँ पे अभी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कहते किसे हैं ये हम लोग आगे क्लासेस में जरूर सीखेंगे। अभी बहुत सारा जो चैप्टर है वो हम लोग को सीखना है। अभी हम लोग बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे शॉर्ट फॉर्म में सीख रहे हैं, लेकिन ये जो भी आपका बेसिक है वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे आपको एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलेगा ट्रांजिटिव वर्ब्स में, वो देखिए। डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, अटैक, रिजेम्बल। रिजेम्बल कल हम लोग पढ़े हैं साइनोइंट में, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, नहीं आता तो प्लीज रिवीजन करिए। रिडिक्यूल, ये सब जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल है। कहते किसे हैं ये हमारा बेसिक जो चैप्टर है वो हम लोग सीखेंगे जरूर आगे के क्लासेस में। अभी चलिए ये देखते हैं बाबा ज्ञान। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, ये सब वर्ड आपको डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेम्बल, रिडिक्यूल आदि के बाद सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट ही यूज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेम्बल, रेडिक्यूल, ये सब वर्ड्स के बाद डायरेक्ट आपको जो है डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट देखने को ही मिलेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ कर देखते हैं कैसे। द पोएट डिस्क्राइब्स, ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्शन ए। डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी, ये आपका ऑप्शन बी हो गया, ऑफ नेचर इन दिस पोयम, ऑफ नेचर इन दिस पोयम, ठीक है। नो एरर, नो एरर, ये आपका ऑप्शन डी हो, सी हो गया, ये आपका ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए, अब इस एग्जांपल को हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें ये रूल याद है, ग्रामर रूल, कि ट्रांजिटिव वर्ब जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेम्बल, रिडिक्यूल आदि के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये रूल हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है। लेकिन यहाँ देखिए, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, यहाँ देखिए आपका अबाउट जोड़ दिया गया है, यहाँ आपका अबाउट जोड़ दिया गया है, जबकि हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी कि इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ये है, तो ये आपका एरर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो अबाउट है इसे हमें रिमूव करना होगा, रिमूव अबाउट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट आपका सेंटेंस क्या बनेगा, द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोयम, ठीक है। आपको यहाँ पर रिमूव क्या करना होगा, अबाउट को रिमूव कर देना होगा, ठीक है। तो ये है आपका बाबा ज्ञान, आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा, आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। सीजीएल का आपका पीटी है जनवरी में, तो प्लीज आप लोग कंटिन्यूअसली तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल के क्लासेस में। थैंक यू।